आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने फोन को, अपने स्मार्टफोन को कैसे अपने आवाज़ से कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ उसको कमांड देके। ठीक है, आपको बोलना है कि आपको अपने फ़ोन के साथ क्या करना है, ना आपको कहीं पे स्क्रीन पर टच करना है ना कुछ, आप अपने सिर्फ आवाज़ से अपने फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब वो कैसे करते हैं ये जानने के लिए वीडियो को पूरा अपन तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपने स्मार्टफोन में जो गूगल असिस्टेंट को ओपन करके रखा हुआ है वो कैसे काम करता है। आप देखिएगा, हे गूगल ओपन इंस्टाग्राम। हे गूगल ओपन म्यूजिक। हे गूगल कॉल सतेंद्र। सचेंद्र मोबाइल कॉल कर रही हूं। ठीक है, तो आपने देखा आप अपने फोन में गूगल असिस्टेंट को इनेबल करके बहुत ही आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं और अपने आवाज से अपने स्मार्टफोन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इस सेटिंग को कैसे इनेबल करना है वो आप देखिए। आप अपने फोन में जहां पे भी आपका गूगल का एप्लीकेशन होगा ये वाला, इसको आप ओपन करेंगे और यहाँ पे ये प्रोफाइल का ऑप्शन पे आप चले जाएंगे। यहाँ पे आपको सेटिंग में चले जाना है और ये गूगल असिस्टेंट का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें आप चले जाएंगे। अब आपको यहाँ पे ये हे गूगल एंड वॉइस मैच ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप चले जाएंगे और यहाँ पे ये वॉइस मॉडल को आप एक बार सेट कर लीजिए। यहाँ पे रिट्रेन वॉइस मॉडल, इस पर आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको बोलना है ओके गूगल, ओके गूगल, हे गूगल, हे गूगल। ठीक है, आपको ऐसे करके अपने मोबाइल में गूगल असिस्टेंट की सेटिंग को इनेबल कर लेना है और फिर यहाँ पे ये स्टार्ट सेविंग ऑडियो, इस पर आपको क्लिक करना है और ये आई अग्री पे एक बार क्लिक कर देना है। ठीक है, हमारा गूगल असिस्टेंट हमारे फ़ोन में सक्सेसफुली इनेबल हो गया। आप ध्यान देंगे यहाँ पे हे गूगल वाला ये जो फंक्शन है ये इसको आप इनेबल कर लेंगे, अगर आपके फ़ोन में ऑफ होगा तो आप इसको ऑन कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे दोबारा से चेक करता हूँ कि हमारे फ़ोन में वॉइस असिस्टेंट अच्छे से काम कर रही है या फिर नहीं। हे गूगल ओपन सेटिंग। हे गूगल यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लो। देखा आपने, आप बहुत ही आसानी से कुछ भी अपने गूगल असिस्टेंट से करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप ही यूज़ कीजिए ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग गूगल असिस्टेंट का, जिसके थ्रू आप कोई भी काम अपने फ़ोन से बहुत ही आसानी से करवा सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी पूरी सेटिंग समझ गए होंगे कि कैसे आप गूगल असिस्टेंट को अपने फ़ोन में इनेबल कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।